क्या आपने भी बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन किया है, आपको उसकी आदत सी पड़ गई थी और उसके साथ साथ ही अभी भी आप उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लत सी पड़ गई है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्सेसिव मास्टरबेशन या बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन की वजह से आपके शरीर पर क्या बुरे असर इसके पड़ते हैं, और उसके साथ साथ ही इसमें होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है जो आपकी बॉडी को जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से। इसमें दो होम्योपैथी के मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा, मैं बताऊंगा जो कि अक्सर मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूं जो भी इस तरह के पेशेंट आते हैं, और उसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों क्या होता है कि एक एज होती है करीब करीब 15-16 साल की जो एज होती है, उस एज के अंदर आपकी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं और उसकी वजह से कई दफ़ा आप चाहते हुए नहीं चाहते हुए एक आपको मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की आपको जो एक लत सी पड़ जाती है, और उसकी वजह से आगे जाकर आपको कई पेशेंट है जो कि आके बताते हैं कि उसकी वजह से उनको अब काफ़ी परेशानी आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का है। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर जब अत्यधिक हस्त मैथुन होता है, इस तरह से जब एक्सेसिव मास्टरबेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या समस्याएं आ सकती है। तो इसमें जो अक्सर मैंने देखा है, एक तो जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आ सकती है आपको, यानी नपुंसक की आपको शिकायत डेवलप हो जाती है। पेनिस में कई पेशेंट है जो आके बताते हैं कि अब उनको इतना इरेक्शन हार्ड नहीं आता है जो पहले आता था, और अक्सर वो लोग इस जो प्रॉब्लम है उसके वजह मानते हैं कि अत्यधिक हस्त मैथुन उन्होंने किया है। इसके अलावा जो मैंने एक देखा है वो है प्री मेच्योर इजेकुलेशन, यानी शीघ्र पतन की शिकायत, अर्ली डिस्चार्ज। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं और बड़ा तेज़ी से करते हैं, और उसकी वजह से गलत तरीके से करने के कारण आपकी बॉडी ये हैबिट सी डेवलप हो जाती है अर्ली डिस्चार्ज की, और उसके कारण आपको प्री मेच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन की शिकायत जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही कई बार पेशेंट को नाइटफॉल की शिकायत आना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा पेशेंट जो है वो आके बताते हैं कि उनको एक ही रात में दो दो तीन तीन बार नाइटफॉल हो जाता है, और कई दफ़ा कई पेशेंट है जो आके बताते हैं कि उनको सप्ते में तीन तीन चार चार बार पाँच पाँच बार उनको नाइटफॉल होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट है जिनको दांत रोग की समस्या आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अगर गलत तरीके से हस्त मैथुन किया है तो उसके कारण आपके पेनिस में टेढ़ापन आ जाता है, पेनिस में कभी कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से पेरोनी डेवलप हो जाती है। इस तरह से जो है ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट है जो कि आके बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने के कारण उनके गाल पिचक गए हैं, आँखें धस गई है, और उसकी वजह से उनके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा उनको अवसाद या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसके साथ साथ ही कभी कभी पेशेंट जो होता है उनको मेमोरी में उनको लगता है कि उनकी मेमोरी जो होती है मेमोरी मेमोरी पुअर हो रही है, उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसके अलावा उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास्टरबेशन करने के बाद में उनके पैरों में उनको दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है उनके पैरों में। इस तरह के कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉमन इसके मैं कहूँगा बैड इफ़ेक्ट्स है जो कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं अत्यधिक हस्त मैथुन या गलत तरीके से हस्त मैथुन या मास्टरबेशन करने के कारण। चलो ये तो बात होगी कि ऐसे कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसमें आपको होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है। दोस्तों जब कभी भी आपको हस्त मैथुन की आदत पड़ती है तो उस कंडीशन में आप अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट जो होते हैं वो अकेलापन ढूंढते हैं, और उसकी वजह से उनको वो इस लत से छूट नहीं पाते हैं, या वो इस तरह का मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें गलत तरीके की वीडियो जो होते हैं वो सेक्सुअल कंटेंट हैं वो ज़्यादा देखते हैं, उसके कारण वो उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो या इस तरह की जो लत है वो लग जाती है। और एक मैं आपको सजेशन दूंगा मेडिसिन पर जाने से पहले कि एक तो आपको मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा कम करें, उसके अलावा आप अगर इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें, और कोशिश करें आप अकेले नहीं रहें, किसी न किसी आप फैमिली मेम्बर के साथ में रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहें, ताकि आपको अकेलापन नहीं रहेगा, और अकेलापन नहीं रहेगा तो आपको इस तरह की जो समस्या है उससे छुटकारा पाने में भी आपको मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ जो मैं मेडिसिन है जो यहाँ पे मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा वो अगर आप लेते हैं तो आपको इस तरह की जो लत लग जाती है उस लत को छोड़ने में भी आपको मदद मिलती है, और उसके अलावा जो बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं जो मास्टरबेशन के जो बुरे दुष्प्रभाव हैं आपके शरीर पर हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। चलिए बात करते हैं अब एक सबसे पहले तो उस मदर टीचर की जो कि मैं अक्सर काम में लेता हूँ इस तरह के पेशेंट्स के लिए। मदर टीचर के इस कॉम्बिनेशन में आपको दो मदर टीचर काम में लेना है, एक तो एसिड फॉस का मदर टीचर, दूसरा है अवीना सटाइवा का मदर टिंचर। एक खाली बॉटल लेना होता है,
30 ml की खाली बॉटल ली, उसमें दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लिया। उसके बाद में मैं अपने पेशेंट को 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाई सिप पीने के लिए देता हूँ। यह इस तरह की जो कमजोरी थकान को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद में एक पोटेंसी जो होती है, पोटेंसी इसमें जो दो पोटेंसियाँ मैं काम में लेता हूँ, एक तो है स्टेफाइसेग्रिया का 200 तीन बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन में एक बार मॉर्निंग में लेने के लिए देता हूँ, और उसके बाद में एक और जो है वो पोटेंसी जो है वो है बुफोराना 200, इसको 3 बूंद डायरेक्ट जी पर इवनिंग में लेने के लिए मैं देता हूँ। और उससे पेशेंट को जो बैड इफ़ेक्ट्स आए हैं मास्टरबेशन की वजह से या फिर जो उनको लत लग गई है उसको छोड़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह से जनरली मैं 15-20 दिन दवाई देके 15 से 20 दिन बाद उनको वापस रिव्यू के लिए बुलाता हूँ, और मैंने अक्सर देखा है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दोस्तों यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार मेडिसिन लें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, उनको कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लें, ताकि वो आपके केस को समझते हुए एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से अगर आपको और भी कुछ नुकसान हुआ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या धात रोग या इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उसको वो दूर करने में आपको और भी कुछ मेडिसिन है जो कि इसके साथ में देते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई मेडिसिन लें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन।